बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कड़ी नसीहत दी है। चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी ने विदेश में गलत बयान देकर भारत की छवि को खराब किया है। देश में रहकर जो कहना है कीजिए, लेकिन देश से बाहर उन्हें एक मर्यादा का पालन करना चाहिए। हमारा ऐसा सोचना है, ये मेरा व्यक्तिगत राय है, ये पार्टी की राय नहीं है। पार्टी की क्या राय है, पार्टी के स्पोक्सपर्सन। लेकिन विदेशी सरजमी पर किसी भी तरह की देश के प्रति कॉन्सोलिडेशन का भाव होना चाहिए, देश के प्रति समग्रता का भाव होना चाहिए, देश के प्रति उन्नति का भाव होना चाहिए। अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब विपक्ष में थे और भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे यूएनओ में, उनके भाषण को सुनिए किस तरह से उन्होंने देश के मान सम्मान की बात की थी। तो कोई भी नेता अगर विदेशी सरजमी पे जाता है, वो देश की उन्नति का और देश को आने वाले समय में हम कैसे सुपर पावर बना सके उसकी बात होना चाहिए, जिससे कि लोगों को लगे कि देश हित में सभी राजनीतिक दल एकजुट हैं, एक साथ हैं। और देश के अंदर जो आपको बात करना हो बात करें, विदेशी सरजमी पर देश के प्रति या देश की इंटरनल पॉलिटिक्स की अगर चर्चा आप करिएगा तो उससे देश की छवि खराब होती है। वहीं चौधरी ने तेजस्वी यादव को भी करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के साथ की वजह से आरजेडी के अच्छे दिन आ गए। उन्होंने कहा कि डेटा से पता चलता है कि नीतीश बाबू के साथ आने से लालू यादव को सीधा चुनावी लाभ हुआ है। मांगा है, जब आप पब्लिक में बोल रहे हैं तो पब्लिक में सार्वजनिक कीजिए ना। आप बोल रहे हैं पब्लिक में, दिखाइएगा अकेले अकेले में, ये गलत बात है ना। आपको सार्वजनिक करना चाहिए। अगर नीतीश कुमार का ऐसा कोई दुख है आपके पास कि लालू यादव के पास गिड़गिड़ा रहे हैं, करिए सार्वजनिक, हम लोग भी देखें। आपको लगता है कि तेजस्वी जो कह रहे हैं कि दो बार उन्होंने नीतीश कुमार को जीवन दान दिया, उनकी कृपा रही, तब नीतीश कुमार की सरकार बनी दो बार? ऐसा है कि इस पर हम पहले भी बोल चुके कि माननीय नेता के साथ आने से किन किन राजनीतिक दल को फायदा हुआ है, ये चुनाव के आंकड़े बताते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, परहेज के वो फारसी क्या, आंकड़ा देखिए। झूठ बोलना, बार बार एक ही बात को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं, आंकड़ा देखिए। जब जब राजनीतिक दल नीतीश कुमार के साथ आए हैं, आंकड़ा क्या करता है, हम क्यों बोलने से और उसमें, आंकड़ा देखिए, आंकड़े से समझ में आएगा। क्या स्थिति थी लालू प्रसाद यादव की 2015 के पहले, कितने सीटों पर थे, नीतीश जी के साथ अलायंस करने के बाद उनकी क्या स्थिति थी, सब तो आंकड़ा कहते हैं। कह रहे हैं कि अशोक चौधरी भी बीजेपी के संपर्क में? नहीं, हम तो सबके संपर्क में हैं। हम तो आपको पहले कह चुके हैं, पुतिन से लेकर जो बाइडन से लेकर के देश के जितने इंटरनेशनल लीडर हैं, हम सबके संपर्क में, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के भी संपर्क में होंगे। वहीं नीतीश बाबू के अनंत सिंह से मुलाकात करने पर तेजस्वी यादव ने सवाल खड़ा किया था, लेकिन अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव को करारा जवाब दिया है। चौधरी ने कहा कि अगर अनंत सिंह दागी थे तो उनकी पत्नी को आरजेडी ने टिकट क्यों दी थी? अगर ये इतना जोर से बोल रहे हैं कि अपराधी हैं, तो इनकी पत्नी को ये टिकट काहे दिए, क्यों सिंबल दिए, ये तो प्रश्न पूछेंगे ना हम कि अगर अनंत सिंह अपराधी हैं तो उनकी पत्नी को सिंबल क्यों दिए? इसका जवाब तेजस्वी यादव जनता को दें, तब फिर हम बताएंगे नीतीश कुमार क्यों गए थे। नीतीश कुमार किसी के घर पे नहीं गए थे, नीतीश कुमार बाढ़ जाने के क्रम में गए थे। और नीतीश कुमार कम से कम अनंत सिंह के यहाँ 50 बार जा चुके हैं अपने राजनीतिक पूरे कार्यकाल में, कोई पहली बार नहीं गए थे। लेकिन तेजस्वी यादव ने पहली बार टिकट दिया था, जानते हुए लालू प्रसाद यादव ने उनको अपराधी कहा था, उनके ऊपर किस तरह की उनके ऊपर विपत्तियां आई थी जब वो नीतीश जी के साथ थे, फिर भी आपने टिकट दिया, दोषी कौन, नीतीश या लालू, जनता को सोचना। वहीं चौधरी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ संवाद कायम करना चाहिए, क्योंकि संवाद नहीं होने से डेडलॉक की स्थिति बन जाएगी। न्यायालय का न्याय निर्णय है, बेल मिलना नहीं मिलना में ना हम खुशी, हम उस पार्टी के हैं ना, हम दुख व्यक्त कर सकते हैं ना हम खुशी व्यक्त कर सकते हैं, न्यायालय का निर्णय है ना, हमारे लिए कोई खबर है। सर, बंगाल में कल मीटिंग बुलाई गई थी सरकार और डॉक्टरों के बीच सुलह सलाह को लेकर, लेकिन कोई भी डॉक्टर नहीं पहुंचे, और ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर बंगाल की आवाम चाहेगी तो वो जो है इस्तीफा दे दे। वो उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की कि हम बातचीत करने के लिए सरकार तैयार है, और हमको लगता है कि ऐसी परिस्थिति में सरकार के साथ बातचीत में जाना चाहिए,
और अपनी स्थिति और अपनी बात को रखना चाहिए, जिससे सरकार की क्या नीयत है ये भी साफ होती है और डॉक्टर क्या चाहते हैं ये भी साफ होती है। ऐसे तो डेडलॉक हो जाएगा ना। हमको लगता है डॉक्टरों को जाना चाहिए था, देश की मुख्यमंत्री ने बुलाया था और उसमें जाना चाहिए था, अपनी बात रखनी चाहिए थी, जो डिमांड थे वो रखने चाहिए थे, जिससे सरकार उसको पूरा कर सकती नहीं कर सकती ये। लेकिन ये कि हम नहीं जाएंगे, कल कोई ऐसी बात हो जाए किसी राज्य में और एक तरफ कहे कि हम डेडलॉक की स्थिति पर है, तो सरकार के लिए तो मुश्किल। राहुल गांधी राज्यपाल ने सर कहा है कि वो किसी भी मंच पर ममता बनर्जी के साथ जो है मंच साझा नहीं करेंगे। ये तो माननीय राज्यपाल महोदय का अपनी उनके कार्य मतलब ममता जी के साथ अपने संबंध हैं अपने, उस पर हम लोगों को क्या टिप्पणी, कोई राजनीतिक कोई पॉलिटिकल बात तो है नहीं, ये तो महामहिम राज्यपाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान का एनडीए के नेता विरोध कर रहे हैं। ऐसे में लग रहा है कि राहुल गांधी के बयानबाजी से सत्ता और विपक्ष में विवाद का नया दौर शुरू हो गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।